दोस्तों हमारे पास आई है होंडा यूनिकॉर्न। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि गाड़ी जो सेटिंग होता है परफेक्ट सेटिंग नहीं हो रहा है। सेटिंग किधर से नहीं हो रहा है उसको मैं आपको बता रहा हूं। मैं सेटिंग का मतलब बहुत कुछ से प्रॉब्लम होता है, जैसे कार्बेटर है, वाल है और कहीं से लीकेज है, उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब ये गाड़ी के अंदर जो कार्बेटर होता है, कार्बेटर के अंदर प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए लेफ्ट साइड में एक बोलते हम लोग बोलते हैं उसको एयर स्क्रू यहाँ आता है। ये देखिए इधर एयर स्क्रू आता है, वो न टाइट हो रहा है न ढीला हो रहा है, पूरा जाम हो चुका हुआ है। ये जो स्क्रू है यहाँ का, ये स्क्रू पूरा जाम हो चुका हुआ है, इसलिए खुल नहीं रहा है। अभी आपको इसमें अंधेरा दिख रहा होगा, अभी ये कार्बेटर को पूरा ओपन करके फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका बराबर जो सेटिंग होता है वो सेटिंग नहीं हो रहा है। इंजन कभी फास्ट कभी स्लो हो रहा है और गाड़ी का माइलेज नहीं दे रहा है, इसलिए इसको अभी स्क्रू को ओपन करना पड़ता है। मैं खाली कार्बेटर ओपन करूंगा, ये जो होता है टनर, वो टनर खोलते ये स्क्रू निकालते, और अभी मैं कार्बेटर पूरा ओपन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको एयर स्क्रू किसको बोला जाता है। ये देखिए मैंने कार्बेटर को ओपन कर दिया हूँ, जो स्क्रू आपको बता रहा था इसको बोलते एयर स्क्रू। इससे आपका गाड़ी का एवरेज सेटिंग होगा और कार्बेटर जो होता है सेटिंग इससे होता है एवरेज सेटिंग। और जैसे कार्बेटर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इससे सब कुछ होता है। सेटिंग का स्क्रू ये बोला है, हम लोग इसको बोलते हैं एयर स्क्रू, और मैकेनिक लोग का बोलने का तरीका अलग अलग, इसको बोलते हैं एयर स्क्रू। एक स्क्रू और है, ये क्या काम करता है, खाली इंजन को फास्ट और स्लो करता है, इसका काम ये है। और इसका क्या काम है, ये पेट्रोल को एडजस्ट करता है, जो पेट्रोल होता है कम ज़्यादा उसका एडजस्ट करता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एयर स्क्रू। अभी इसको पूरा ओपन कराना पड़ता है टर्नर के बाद, अभी टर्नर के बाद मैं जा रहा हूँ, इसको ओपन करा के फिर दूसरा स्क्रू इसमें यूज करना पड़ता है, जैसे नया स्क्रू लगाना पड़ता है तब ये परफेक्ट बराबर सेटिंग आता है। ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू देखो अभी नया डाल दिया हूँ, जूना वाला जो होता है इसमें मैंने आप लोग को दिखाने के लिए सिंपल लेके आया हूँ मैं। ये देखिए पूरा इसको निकाल देते अच्छे से, कभी अगर समझ लो कोई बाई चांस जो कार्बेटर कभी काम नहीं किए रहेंगे, अगर वो काम करने जाएंगे तो इसमें क्या होता है, होल हो जाता है, तो कार्बेटर को चेंज करना पड़ता है। ये जो बारीक पिन होता है आगे का, यही ज़्यादा कहीं काम करता है, इधर आगे पिन है इधर। अब ये सब हुआ है, अब इसका जो स्क्रू का प्राइस है आप ये देख लीजिए, 73 में लिखा हुआ है, ये 70 रुपीस में मिलता है। ये खोलने का पैसा ज़्यादा, जो टनर है तो ज़्यादा पैसा लेते हैं कि इसको बहुत रिस्क रहता है। जो कार्बेटर का काम करते हैं वही जो नया कार्बेटर का जो स्क्रू है वही खोल सकते हैं। अदर कोई टनर का खोलने जाएंगे तो हो सकता है कि ये कार्बेटर आपका ख़राब हो जाए, नया कार्बेटर डालना पड़े। तो आपकी इधर अगर है टनर, तो आप कार्बेटर रिपेयरिंग करने वाला जो है स्क्रू खोलने वाला, आप उसके पास इजी से खुला सकते हो, आपको कार्बेटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसका जो सेटिंग होता है अच्छे से इसका सेटिंग अभी हो जाएगा, और इसका जो एयरेज का प्रॉब्लम, जो सेटिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। स्क्रू अभी एकदम समझ लो, देखिए नया एकदम लगा हुआ है स्क्रू। ऐसे कभी भी प्रॉब्लम हुआ आपकी गाड़ी में, इसे स्क्रू अगर नहीं खुल रहा है, बहुत जाम हो गया, तो उसको टनर के पास खुला लेना चाहिए। और स्क्रू किस लिए ख़राब होता है कि जैसे अभी मैं भी मैकेनिक हूँ और भी कोई मैकेनिक है, तो ये स्क्रू की क्या करते हैं, कभी भी आपके पास सर्विस करने के लिए गाड़ी आया हो, ये स्क्रू अगर आपको नहीं खोलना है तो स्क्रू को क्या करना चाहिए, आपको देख लेना चाहिए स्क्रू के जो लाइन है ऐसे है, तो आपको उसको उससे राउंड घुमा के फिर वही जगह पे वापस ला के रख देना चाहिए, तो इसका स्क्रू क्या है, जाम नहीं होगा। और कभी भी आपको अगर स्क्रू लगाना है इसमें वाइल या हल्का से ग्रीस जो थ्रेड होता है, जो चूड़ी होता है, उसमें लगा के फिर लगाना चाहिए, तो इसका जो है जाम नहीं होता है। ये तरीका अगर यूज करोगे तो आपका स्क्रू कभी भी जाम नहीं होगा। तो मैंने कार्बेटर पूरा फिटिंग कर दिया हूँ, फिटिंग करने के बाद अब आपको सेटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे अभी ऐसे
प्लस है, बाद में इसको घुमा के हल्का देखना चाहिए कि आपकी गाड़ी का इंजन किधर फास्ट हो रहा है, किधर स्लो हो रहा है। जिधर फास्ट होता है आपको उधर ही स्क्रू को छोड़ना है, और जिधर ज़्यादा स्लो हो रहा है, देखो अभी स्लो हो गया इंजन, समझ लेना बराबर परफेक्ट नहीं हुआ। फिर ओपन करो, देखिए ये आपको मैं गिनती नहीं बता रहा हूँ, इसी तरीका आप इजी से कर सकते थे। आप बोलेंगे सर ढाई पे रखना चाहिए, साढ़े तीन पे रखना चाहिए, ऐसे नहीं। ये देखिए अभी ऑपर पर स्टार्ट कर रहा हूँ हल्का से मैं, ये देखिए इंजन पास हो रहा है, संभाल लेना चाहिए हमारा जो कार्बोरेटर है बराबर सेटिंग हो रहा है। ये देखिए इसी तरीका गाड़ी का एयर स्क्रू सेटिंग आप कर सकते हो, इधर इंजन पास होता है उसी तरीका आपको करना है। ये देखिए अभी मैं टाइट किया, इंजन फास्ट हुआ, अब इसको मैं बाहर खोल रहा हूँ, इंजन स्लो हो रहा है। देखिए तो आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको जहाँ फास्ट है गाड़ी का इंजन, ये देखिए आपको इधर रखना है। इसी तरीके आप गाड़ी का जो होता है सेटिंग इजी से कर सकते हो कोई भी बाइक में या कोई भी स्कूटर में। अगर आपको